लेटेस्ट न्यूज और वीडियोस बस एक ही क्लिक में, तुरंत डाउनलोड करें लहरे ऐप। 1954 में प्रदर्शित हुई फिल्म मिर्जा गालिब में सुरैया ने नवाब जान का किरदार निभाया था, जो शायर मिर्जा गालिब से बेहद प्यार करती थी। इस फिल्म में मिर्जा गालिब की 5 गजलों को सुरैया ने अपनी आवाज दी थी। जिस वक्त सुरैया ने यह गजल गाया था, उस वक्त उनकी आवाज में ही नहीं बल्कि उनकी आंखों में भी कुछ अलग सा था। जो भी उनकी आंखों को देखता उसमें कैद हो जाता। इसलिए जिस किसी ने भी सुरैया की आवाज सुनी वो उनका कायल हो गया। जिस वक्त ये फिल्म आई थी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भी इस फिल्म में सुरैया की गाई यह गजलें सुनी थी। इन्हें सुनने के बाद वह भी सुरैया की आवाज और अदायगी के दीवाने हो चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का खुलासा एक समारोह में भी किया था। जब सुरैया की मुलाकात उनसे हुई तो नेहरू ने सुरैया से कहा था, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। सुरैया की लोकप्रियता का आलम ये था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वाले मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते और उनकी एक दीदार का इंतजार करते। सुरैया ने 31 जनवरी 2004 को दुनिया से अलविदा कह दिया। सुरैया ने 40 से 50 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए मलिकाए तरन्नुम के खिताब से भी नवाजा गया।